हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ पर डिस्कस करने से पहले हम लोग एक दो फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे दो सेम चार्जेस के बीच फोर्सेस जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है या फिर रिपल्सिव होता है, और दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच फोर्सेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर दो सेम चार्जेस के बीच जो फोर्स लगते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं, वो रिपल्सिव होता है, और दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव होता है। यानी सेम चार्जेस रिपेल इच अदर। तो Q1 चार्ज Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करने की कोशिश करेगा, और Q2 चार्ज Q1 को इस डायरेक्शन में धक्का देने का कोशिश करेगा। उसी प्रकार अगर दो चार्जेस ऑपोजिट साइन के होंगे, जैसे एक प्लस Q1 चार्जेस है और एक माइनस Q2 चार्जेस है, तो इसमें जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है। यानी Q1 चार्ज Q2 को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, और माइनस Q2 चार्जेस प्लस Q1 चार्ज को इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करता है। तो ऑपोजिट चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो मान लेते हैं कि दो चार्जेस है, प्लस Q1 चार्जेस और प्लस Q2 चार्ज, और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस आ रहा है, और दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर और दोनों के डिस्टेंस के बीच पर डिपेंडेंट रहता है। यानी अगर हम लोग चार्जेस का मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो ये फोर्स भी इंक्रीज़ करेगा, और अगर हम लोग दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो भी उसका इफ़ेक्ट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर पड़ेगा। तो कूलम ने जो नियम दिया उसके अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली वेरी करता है, और दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली वेरी करता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यानी दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा। और हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो अब अगर हम लोग दोनों को कॉम्बाइन करके लिखें तो ये हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 का मॉड बाय r². हम लोग यहाँ पे मॉड इसीलिए लिए क्योंकि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इफेक्ट नहीं आएगा, और यहाँ हम लोग फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग लिखते हैं k, और ये हो गया Q1 Q2 का मॉड बाय r². इस k को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ स्केल टू 1/4πε0 Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाय r², वेयर k स्केल टू 1/4πε0, और इसका जो वैल्यू होता है SI यूनिट में होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हो गया इन SI यूनिट, और इस k को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी। k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और SI यूनिट में एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854×10⁻¹2 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग तो यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स कूलम्बियन फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्जेस के बीच लगता है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कूलम्स लॉ, तो स्टूडेंट्स हम लोग कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। यानी दो चार्जेस अगर है सेम प्लस Q1 प्लस Q2 तो दोनों के बीच जो फोर्सेस होगा वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस और दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो फोर्सेस है ये दोनों चार्जेस को जो लाइन कनेक्ट करता है उसके अलोंग लगेगा। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा कि दो चार्जेस के बीच जो कूलम्बियन फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड होता है F=K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और इसको हम लोग कह सकते हैं F=1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस पर कॉमेंट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को जिससे आपके जिससे आने वाले और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।